नौ रस होते नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आसमान होता है और आसमान में बादल बनते हैं और बरसते हैं, तो आसमान शांत रस है। और उसके बाद जो बादल हैं वो आठ तरह के बादल होते हैं, वो आठ रस हैं जो हमारे परमानेंट इमोशंस हैं, जो बचपन से लेके आखिरी दिनों तक हमारे पास कायम होते हैं। तो वो जो आठ रस हैं, वो जो आठ परमानेंट इमोशंस हैं, उनको हम दिखाएं मंच पर। आपने पूछा है क्या रंग कर्म में इनको एक साथ दिखाना होता है। मैं ये कहूँगा कि एक ही कोई रस इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोमिनेंट होता है। ऐसा नहीं होता कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्यार से बात कर रहा हूँ तो गुस्सा तो नहीं है। आप ये कहेंगे गुस्से को कैसे दिखाएं, ज़रूरत नहीं है। एक आदमी में सारी चीज़ें होती हैं और वो परिस्थितियाँ बदलती हैं, सिचुएशन बदलते हैं, तो वो सब अपीयर होते रहते हैं। देखना है कि आप जिस कंटेंट को लिए हैं, आप जिस नाट्यालेख को लिए हैं, जाहिर है कि कहानी का रंगमंच नहीं, नाटक के लिए नाट्यालेख, जो कि अब पिछले 70 साल के बाद आज हमारे पास कोई नाट्यालेख नहीं है हिंदी में। हम लोग उसी पुरानी जो चीज़ों को दोहराते हैं जिन्होंने नाटक लिखे हैं, जैसे मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा और आदि, गिरीश कर्नाड या और भी लोग, धर्मवीर भारती, इनको हम दोहराते हैं। क्योंकि कहानी का रंगमंच कर दिया तो कोई आदमी नाटक लिखेगा ही नहीं, तो इसलिए हमारे नाट्यालेख का अभाव हो गया, क्राइसिस हो गया। क्योंकि क्राइसिस हम ही ने क्रिएट किया है, तो पूरे नेचर को तो नष्ट करने हम लोग आदमी ही आते हैं, तो हम लोग क्राइसिस क्रिएट करते हैं, फिर उसको फिर ढूंढ नहीं पाते समाधान। तो हम जब कोई नाट्यालेख ले रहे हैं तो ये देखना होगा कि उसका प्रोमिनेंट कलर क्या है। प्रोमिनेंट कलर क्या है से मतलब है कि उसका प्रोमिनेंट इमोशन क्या है। पूरा नाटक अगर हास्य रस में है तो प्रोमिनेंट कलर उसका हास्य हुआ। पूरा नाटक अगर प्रेम पर है, जैसा कि सूर्य की अंतिम किरण से प्रथम किरण तक अगर प्रेम उसमें डोमिनेट करे तो वो प्रेम पर है। अब प्रेम, एक एक्टर अगर प्रेम को लेकर उसका मुख्य किरदार निभा रहा है तो वहाँ पर श्रृंगार मेन इमोशन है। श्रृंगार को ही व्यक्त करने में दूसरे आठों रस, सातों रस आएंगे। मतलब कि एक व्यक्ति अगर श्रृंगार ही आधार में है तो प्यार करता हुआ व्यक्ति गुस्सा कैसे करेगा, प्यार करता हुआ व्यक्ति दुखी कैसे होगा, प्यार करता हुआ व्यक्ति कैसे प्यार में हंसेगा। तो श्रृंगार तो बेस में रहेगा और बाकी सारे इमोशंस आते जाएंगे। ऐसे ही अगर कोई वीर रस में लिखा हुआ नाटक है या पूरा गुस्से से भरा हुआ है, उसमें युद्ध हो रहा है, मारपीट हो रहा है, बदला लिया जा रहा है, महाभारत हो रहा है, तो गुस्सा करता हुआ व्यक्ति के जीवन में भी प्यार होगा तो वो प्यार के प्रति कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। गुस्से में आए व्यक्ति के जीवन में दुख होगा, जब द्रौपदी के बच्चों को मार दिया सारे वो अश्वत्थामा ने, तो और द्रौपदी अगर प्रेम करने वाली कैरेक्टर दिखा रहे हैं तो ऐसे में उसका दुख कैसे व्यक्त होगा। इसी तरह से अगर अश्वत्थामा हमेशा घृणा ही करता है, उसके पास अगर प्रेम का स्पर्श आएगा तो ऐसा व्यक्ति प्रेम कैसे करेगा। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि हमारी जो बेसिक बुक है, हमारा जो बाइबल है वो है, हमारे जो अभिनेताओं का गीता है वो है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है कि प्रोमिनेंट रस एक ही होता है। जैसे कि हमारे दुनिया में आसमान और पृथ्वी हम लोग ऐसे देखते हैं ना, ऐसा है नहीं। पृथ्वी में जो पार्थिव तत्व है उसकी अधिकता होने के कारण उसको हम लोग पृथ्वी कहते हैं, उसमें आकाश भी है। इसी तरह आकाश में पृथ्वी भी है। तो दुनिया में बाहर, जैसे हम लोग के शरीर के बाहर पूरी पृथ्वी में जितने भी तत्व हैं उसमें सारे तत्व हैं। तो उसमें किसी एक तत्व की प्रधानता होने के कारण हम उसको वो नाम देते हैं। उसी तरह से हमारे जो आठ परमानेंट इमोशंस हैं या हमारे जो 49 भाव हैं, उसमें जो एक पर्टिकुलर इमोशन होता है उस इमोशन में सारे इमोशंस होते हैं। आपको देखना है कि जो पूरा प्ले है वो किस एक पर्टिकुलर कलर पर आधारित है, उस कलर में आप दूसरे इमोशंस को कैसे व्यक्त करेंगे। तो जाहिर है कि आपने जो अभी पूछा मुझे, भारती जी, आपने जो पूछा कि क्या नौ रसों को दिखाना पड़ता है, कि नौ रस को इस तरह से दिखाना पड़ता है। ये नहीं कि एक डांसर की तरह कि पहले आपने श्रृंगार दिखाया, श्रृंगार की मुद्रा दिखाया संगीत हस्त्र मुद्रा में या असंगीत में, और श्रृंगार के बाद आपने घृणा दिखाया। पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता है, जब भी घृणा को डांसर्स दिखाते हैं तो वो ऐसे क्यों दिखाते हैं जैसे बहुत कोई ऐसी कोई चीज़ रखी जिससे दुर्गंध आ रही है। इसलिए तो घृणा होता ही नहीं है। घृणा तो इसलिए होता है कि एक आदमी से घृणा करता है, उसके लिए भी इमोशन है। आज तक भारतवर्ष के सारे डांसर्स को मैंने ये देखा है, वो जब भी वो श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक अद्भुत ये दिखाता है तो जब भी घृणा आता है, जो गुप्सा का भाव दिखाना होता है, तो ऐसा दिखता है जैसे कोई घृणित वस्तु रखी हुई है, उसको उससे दुर्गंध आ रही है, वो ऐसे कर दिखता है। लेकिन वो है नहीं ऐसा, घृणा इसलिए लिखा नहीं गया, वो घृणा है ही नहीं। हमारे अंदर घृणा होती है, हम दूसरों से घृणा करते हैं, उस घृणा को आप दिखाइए जो अभी तक इंडियन डांस में दिखाई नहीं गया है। इसको हमको नोटिस करना चाहिए। इसलिए मैं
अजय अक्षय द्विवेदी जी के दो शब्दों को बार बार बोल रहा था, पुनर्नवा और प्रतिवचन। इस तरह से आप नया कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रहा है उस पर आपकी निगाह होगी, वो न्यू पर्सपेक्टिव होगा, आप उसमें से उसको ही को नया कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप अगर घृणा को, उस घृणा को दिखाते हैं जो मानवीय स्वभाव में होता है, तो आप घृणा को दिखा रहे हैं। तो अगर वो पूरा अश्वत्थामा पर ही पूरा प्ले है या घृणा पर ही पूरा प्ले है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रेम नहीं होगा या हास्य नहीं होगा। हाँ, घृणा की ओर से प्रेम को कैसे देखा जाएगा, ये एक एक्टर का काम शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि एक सीमा तक मैंने उत्तर दिया।